Hi friends, my name is Suchit, 1870 rated chess player. So, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे my favorite attack, Stonewall attack. So, Stonewall attack क्या होता है, इसको हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, okay? और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, okay? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो ये गेम फीचर करती है स्टोन वॉल अटैक के ऊपर. ओके, माय ब्यूटीफुल अटैक एंड ब्रिलियंट अटैक. तो आपको अभी सीखना चाहिए और अपने गेम में अप्लाई करना चाहिए. ओके, सो देखते हैं ये स्टोन वॉल अटैक क्या होता है. पहले मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ इस स्टोन वॉल अटैक में. पॉन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है जो मैं आपको अभी एरो से दिखाऊंगा, इस तरीके का. पूरी वीडियो देख लेना, ऐसा नहीं कि भी मैं ऐसे बता जा रहा हूँ, जस्ट फॉर रफ आइडिया दे रहा हूँ कि भी इन जगह पे पोजीशन आती है पीसी से. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने स्टार्ट किया c5, नाइट f3 एंड नाइट c6 आफ्टर e3. ओके, ये स्टोन वॉल अटैक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं. एंड देन d5. एंड d5 का इम्पोर्टेंट रोल क्या है? तो इम्पोर्टेंट रोल यही है कि भी अपने ये सेंटर कवर करने का ट्राई कर रहा है. ओके, चल. तो मैंने चला d4. d4 का मेरा डबल आइडिया है, एक तो भी इसका पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा बिगाड़ना है जो आगे आने की ट्राई कर रही, और अपना स्टोन वॉल अटैक का स्ट्रक्चर भी कंटिन्यू रखना है. ओके, तो नेक्स्ट उसने डिफेंस किया e6. बट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये e6 कोई लॉजिकल मूव नहीं है और बिल्कुल ही बेकार मूव है. बिल्कुल क्यों? सिंपल आइडिया, आप अपना बिशप का एरिया बंद कर रहे हो. क्यों पूछता है भारत? क्यों बंद कर रहे हो? देर इज़ नो रीज़न बंद करने का. अगर आप चाहते हो बिशप इधर से निकालना है तो ये पॉन चलने का कोई लॉजिक नहीं बनता ना. आपको कोई अटैक है ऐसे ना, तो इसलिए बता. सो देन c3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मूव है, बिकॉज मेरा वैसे c3 चलने का लॉजिक कम था. मैंने ये चलना था वैसे बिशप इस स्क्वायर पे, ताकि मुझे आफ्टर कैसलिंग इस साइड प्ले मिल सके. ओके, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूव है. ये इसका आइडिया क्या है? लेट अस से अगर मैंने चल दिया होता बिशप पहले यहाँ पे इस जगह पे, सो ये नाइट क्या करता? ये नाइट यहाँ आके बैठ जाता और मेरे बिशप को थोड़ी दिक्कत देता, परेशान देता. ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव है. पहले मैंने इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया ये पॉन चल के. ठीक है, तो उसने अपना नॉर्मल डेवलपमेंट रखा f6 पर, दोनों नाइट अपने एक्टिव करे. ठीक है, सो नेक्स्ट मैंने अपना बिशप प्लेस किया d3 पे अपना बिशप प्लेस किया मैंने. देन बिशप d7 कैसलिंग एंड दिस. देखिए कि कितना बेकार हुआ है. इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत गलतियां होती है प्लेयर से. ये जो उसने चला ये बहुत बेकार है पॉन आपके रख. क्यों? ऐसा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि भी ये देखो अच्छा खासा पॉन स्ट्रक्चर बन गया, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना. बट ऐसा नहीं है. ये आपको जितना पॉन स्ट्रक्चर एक्टिव दिख रहा है ये इतना ही ईजिली ब्रेकेबल है. रीज़न यही है, मैं कभी भी अपने पॉन यहाँ चल सकता हूँ, अपना ये भी एक्टिव कर सकता हूँ क्वीन साइड, इसलिए. ओके, और दूसरा दिक्कत क्या है, इससे मेरी हेल्प होगी उल्टा इससे, क्योंकि अभी मैं अपना बिशप पीछे ले जाऊँगा. देखना अभी मैं बिशप पीछे ले गया, ये पूरा लॉन्ग डायगोनल मुझे मिल गया मेरे बिशप को प्ले करने के लिए. ये भी ओके,
अब आफ्टर द कैस्टिंग बहुत दिक्कत होगी इसके लिए, बट मेन आइडिया इसका ये नहीं होता स्टोनमैन अटैक का, मैं बताता हूँ। बिशप डेवलपमेंट ऑन e7, देन कैसलिंग। देखो मैंने जैसे कहा था ना, इसका पॉन स्ट्रक्चर इजीली ब्रेक हो जाएगा। अभी जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, मैं ब्रेक करूँगा नहीं, मेरा आइडिया कुछ हो रहा है। तो इसने अपना और स्ट्रॉन्ग किया पॉन स्ट्रक्चर, बट इसको पता नहीं है कि वो तो मैंने जस्ट भटकाने के लिए किया था। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि भी क्वीन साइड में इसका कोई डिस्ट्रॉय करूँगा, क्योंकि स्टोन वॉल अटैक का मेन आइडिया होता है किंग साइड प्ले करना, किंग साइड अटैक करना। वो कैसे करना होता है ब्रिलियंट तरीके से, वो मैं आपको एक आगे शो करता हूँ। ये देखिए हो रहा है ना, जैसे मैंने कहा था, मैंने इसके वीक पॉन स्ट्रक्चर को कैसे टारगेट कर रहा हूँ मैं बताया था जैसे मैंने आपको। ये देखिए अब धीरे धीरे करके उल्टा मेरे ही पॉन आगे बढ़ गए, देख रहे हो ना आप। अब उल्टे उसके पॉन वीक हो गए, मेरी पॉन आगे बढ़ने लग गए अब तो। ये देखिए इस पे ही प्रोटेक्शन है, कैमल की भी प्रोटेक्शन, रुक की भी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। उसने कैसलिंग कर दी, अब वो फंसने वाला ट्रैप में। ये देखिए अब इसको ध्यान में रखना है, ये जो स्क्वायर होता है, देखिए किसी भी पीस का अगर कोई भी पीस सेंटर में आ जाता है, बिशप रुक क्वीन, तो सबसे पावरफुल पीस माना जाता है, सबसे पावरफुल पीस माना जाता है। अभी जो नाइट है, ये नाइट कितनी जगह पर अटैक कर सकती है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो आपको रखना चाहिए जगह पे। अभी देखो अब आपसे आपको बताने की शायद ज़्यादा नीड है नहीं, अब इसने अपना नाइट ही वापस ले लिया, सिंपल सी बात है। यहाँ से इसका गेम थोड़ी सी आप ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक कर दी, क्योंकि ये नाइट वहाँ बैठ के क्या कर रहा है, कुछ प्ले कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस अभी देखना। तो ये होता है, अब होता है स्टोन वॉल अटैक की एडवांस वेरिएशन। स्टोन वॉल अटैक में अपना कैसल ब्रेक करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और डरना ही है कि यहाँ भी कैसल ब्रेक हो गया तो अटैक हो जाएगा ना। अगर आप स्टोन वॉल अटैक कर रहे हो तो डरना तो बिल्कुल मना है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है कैसलिंग ओपन करने में, क्योंकि आपका जो पॉन है इसको सपोर्ट है, इस पॉन को सपोर्ट है, इसका एरिया ओपन है, और ये नाइट कभी भी इस जगह पे जा सकता है, तो इसका पूरा एडवांटेज है। देन दिस अब देखिए अब धीरे धीरे करके मेरा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया आपको बताता हूँ। मैंने इसका नाइट उसके नेचुरल स्क्वायर से हटाया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको आप आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं कि भी ये इसका नेचुरल स्क्वायर होता है। अगर एक बार इसका ये नाइट इस जगह से हट गया, देन इट्स गॉन, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, किंग स्ट्रक्चर, ओके। और स्टोन वॉल अटैक का दूसरा मेन वेरिएशन आपको शायद दिख रहा है, क्वीन मेरी पूरे ओपन एरिया में जाने को रेडी है, इधर से भी जा सकती है, ठीक है ना। और ये जो रुक है, अभी बताता हूँ आपको क्या, इसने वापस ले लिया। अब मैंने ये दिया सेक्रीफाइस, एंड दिस बिशप सेक्रीफाइस इज ऑकरिंग नेचुरली। ये सेक्रीफाइस यहाँ बनता ही है, क्यों बनता है वो आपको बताता हूँ। आपको ध्यान में ये रखना है, सेक्रीफाइस देने के बाद मेरा मेन आइडिया क्या रहता है, मेन आइडिया मेरा रहता है कि मैंने क्वीन को किसी भी तरह से इस डायगोनल पे एक्टिव करना है, क्वीन को किसी भी तरह से इस डायगोनल पे एक्टिव करना है। ये देखिए मैंने एक्टिव करी, ठीक है, इसने वापस ले लिया। अब इसको कहते हैं रुक लिफ्ट मींस दो तीन मूव्स में रुक जो है ज़िगज़ैग मूवमेंट करके क्वीन की सपोर्ट में आ सकता है, ठीक है। और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, स्टोन वॉल अटैक का देखा ना आपने कितना अच्छी तरह से ये एरिया मैंने ओपन कर दिया, सिर्फ पॉन है इस साइड, देखो सिर्फ पॉन, उसके दोनों नाइट परली साइड चले गए, मतलब इस साइड इसका कोई पीस नहीं है,
और बेचारे इसके तीनों सैनिक कोई काम के नहीं, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो इसी बात का एडवांटेज उठा के मैंने अपना एरिया खाली कर दिया, देख रहे हैं ना। अब ये रुक लिफ्ट कभी मेरे लिए अवेलेबल है। अभी देखो मैंने रुक उठाया, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ऐसे रटे रटाए मूव है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए उसने काट दिया, अगर वो ना काटता, लेट अस सपोज ये पोन को आगे बढ़ा देता, तो उससे क्या होता? उससे कुछ भी नहीं होता, मैं क्वीन को थोड़ा और आगे खिसका देता। आई मीन टू से इस रुक लिफ्ट को यहाँ पहुँचाना नामुमकिन है। जो जो इसने मूव करे हैं पॉसिबल ही नहीं कि भी इसको रोक ले, ठीक है। तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया कि उसने क्या काटा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब ये चेकमेट आई मीन टू से बच भी नहीं रही। ये देखो अब आपको क्यों नहीं बच रही, ये सैनिक आगे करके बच रही है ना। अरे भाई ये सैनिक आगे करके चेकमेट बच तो रही है, बट कब तक बच रही है? मैं ये सैनिक आगे कर दूंगा। अब डबल चेकमेट, एक तो रुक की हेल्प से और एक पाउन और मेट करने के लिए रेडी है, समझ रहे हो ना। तो ये मेन वेरिएशन होता है इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड अटैक का। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या कहा, कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। दिस पाउन दिस दिस, ऐसे ऐसे करके इसका पॉन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। और इसका बिशप का नेचुरल बिशप का स्क्वायर यहाँ आता है, नाइट यहाँ आती है, और आफ्टर कैसलिंग द किंग ये नाइट अपने सेंटर कंट्रोल लेती है, ओके। और देन अपना या सैनिक, ये सैनिक जो है आप इजीली बिना डरे इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो देन आपका क्वीन का एरिया खाली है, कभी भी इस डायगोनल पे आने के लिए, ठीक है। और आपके लिए रुक लिफ्ट भी अवेलेबल है, कोई उसको रोक भी नहीं सकता चाह के भी, क्योंकि उसका कोई पीस ही नहीं है रोकने के लिए, कौन रोकेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी पे सेकंड गेम दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स दिस इज द सेकंड विच फीचर टू स्टोन वॉल अटैक। सो मैं दिखाता हूँ, मैंने वही किया जैसे मैंने आपको बताया था, अपना पॉन स्ट्रक्चर रखने के लिए। सो उसने रिप्लाई दिया D5, फिर मैंने नाइट निकाला F3 पे, सॉरी नाइट निकाला C6 पे, ओके। आपको पता लग गया होगा कि भी वैसे जरूरी नहीं कि भी वो पहले जैसे मूव चले, पहले में उसने क्या चला था, अब उसने चेंज कर दिया। मतलब अपोनेंट तो चेंज करते रहेगा अपने मूव, मैं ये नहीं कह रहा अंधाधुंध होकर हाँ भी चलते रहना, देख रहे हैं सामने वाले का भी क्या चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट अवेयर रहना है। तो अटैक कंटिन्यू रखते हुए मैंने चला E3, देन दिस E6, देन D4। इस बार तो मेरा और भी बढ़िया हो गया। बढ़िया कैसे हो गया, इस बार तो यहाँ पे कोई है ही नहीं काटने के लिए, उल्टा मेरा ही सेंटर अच्छा हो गया, ओके। सो अभी उसने चला फिर नाइट निकाल ली, मैंने गया बिशप B5 पे। हाँ मैं आपको ये बताना था कि मेरी भी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक ये रही कि भी मुझे यहाँ पर निकालना चाहिए था और नहीं भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये जो B5 होता है इसमें अक्सर एक गैम्बिट लगती है छोटी सी कि भी नाइट यहाँ पर जाता है और इसका आफ्टर सम एक्सचेंजेस ये इसको थोड़ा डैमेज करता है। आई मीन टू से सपोज अगर ये चल लेता तो मैं ऐसे करके इसका कुछ पॉन स्ट्रक्चर डैमेज कर लेता, इसको काट के देन दिस, ओके। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने पहले ही ये चल दिया बिशप, देन C3। मैंने अपना पॉन स्ट्रक्चर फिर से अपना मजबूत किया, स्टोन अटैक बस थोड़ी देर में मेरा रेडी है, ओके। देन दिस E7, बिशप E7, इट्स रेडी टू कैसल, वही बहुत कैसलिंग। देन
मैंने ऐसे कहा था आपको, ये नेचुरल स्क्वायर नेचुरल कह रहा है, ये सेंट्रलाइज किया मैंने अपने नाइट को। ओके तो ध्यान से देखिएगा आप इसको। देन बिशप को पीछे ले लिया उसने, तो बहुत ही बेकार मूव भी नहीं है ये। अगर आई थिंक ये चाहता था कि भी इसको दोनों तरफ बिशप पेयर रख के दोनों तरफ अटैक करे, ठीक है। तो मैंने आफ्टर सम एक्सचेंजेस मैंने इसका बिशप नहीं मारा। देखिए मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे बिशप मिला रुक रुक पॉन ऐसे करके एक्सचेंज कर लेते हो, लेकिन मैंने एक्सचेंज नहीं किया बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग जी फोर इफ आई एक्सचेंजेस, अगर मैं एक्सचेंज कर लेता तो मेरा जो अटैक होता है यहाँ पे जी फोर से तो इतना अच्छा पॉसिबल हो ना पाता, ओनली विद क्वीन एंड रुक। सो मैंने चलानी, सो मैंने जी फोर चल दिया पहले, एक मिनट। हाँ सो मैंने जी फोर चला, देन क्वीन। आप देख रहे हो इस अटैक में उस सामने अपोनेंट के पीस क्वीन साइड ज़्यादा रहते हैं, किंग साइड आना मुश्किल होता है उनके लिए। ओके सो मैंने वही अपना इंक्रीज किया अटैक दिस। अब ये ना कहना कि भी ये तो गेम थोड़ी ना हुई, ये तो बेवकूफ़ होगा, उसने अपना नाइट दे दिया। आई नो, बट मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि भी स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे करते हैं, आपको वही बताऊँगा कि भी इसका रीज़न कि भी अगर ये ना चलता नाइट तो क्या स्ट्रॉन्ग अटैक हो ना पाता। हाँ ऐसी बात नहीं है, बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं हुआ क्या। मैंने कैंसिल किया दिस दिस, मैंने जैसे कहा था उस टाइम उसने कुछ और चला था, इस टाइम इसने पॉन आगे कर दिया, तो मैंने भी क्वीन आगे करके अब अपनी अब मेरी रुक लिफ्ट रेडी है। मैंने रुक लिफ्ट को उठाया और मेन टारगेट इज दिस दिस। अब आप समझदार हैं शायद, आपको लग रहा हो कि अभी मेट सेव हो सकती है, और मुझे लगता नहीं सेव हो सकती। हो सकती है वैसे, गेम यहाँ तो रिजाइन कर दिया था उसने सामने ने, मतलब मेट ही हो गई थी, आई मीन रिजाइन कर दिया था। अगर ये इसको बचा भी लेता तो उससे भी कुछ ज़्यादा एफर्ट तो ना होता, चेकमेट फिर भी जल्दी। ओके अगर चेकमेट ना भी होती तो गेम तो मेरे हाथ में आ जाती ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर चेकमेट ना भी होती, वैसे हो ही जाती आई थिंक, हो ही जाती, नहीं बचती ना, नहीं बचती मेट, नहीं बचती नो। सो उस पोजीशन पे चलते हैं, अगर वो नाइट यहाँ ना रख के नाइट पीछे कर लेता वो, तो भी मेरी पोजीशन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता रियल में, ज़्यादा से ज़्यादा वही एक्सचेंज कर लेता ऐसे ही ना। बट मैं इसको एक्सचेंज करके अपना ये वाला डायगनल भी ओपन कर लेता, ये रुक वाला डबल साइड से, ये तो मेरा जाना ही है मेट करने के लिए। ओके तो इसका ये मेन आइडिया होता है, मेरा पोन भी है, और अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ, अगर ये टैक्स सक्सेसफुल ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप नाइट भी यहाँ पे ला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहाँ से नाइट ला सकते हो, ठीक है ना, और यहाँ से बिशप और यहाँ से सेकंड रुक भी ला सकते हो, स्पेस ओपन है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। सो आपको मैं एक गिफ्ट के बारे में बता रहा था, तो 12 जुलाई को हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो अपना नेम डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी न्यू अटैक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा।